के बैठ के दोनों भाई बहन यहाँ पर बात ही कर रहे हैं। और क्या बेटा, कौन चोट लगा दिया? चोट लगा दिया है तो अभी बिटिया को भी हलवा खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया है, दुकान में कोई कस्टमर है तो आएंगे खाएंगे। तो गर्मी का दिन है, जल्दी तो ठंडा होगा नहीं, इसीलिए देखिए हम लोग खाने जा रहे हैं हलवा। बाबू हलवा खाएगी? कैसे खाएगी? चलिए गाइस, मैं अपना हलवा खत्म करती हूँ, अभी फटाफट से खाने की तैयारी भी करनी है। 11:30 बज गया है, खाना भी बनाना है, तो चलिए हम लोग खाना बनाते हैं। सो गाइस देखिए, मैंने अपनी बिटिया का शाम को बाल उल झाड़ के उसे ब्रश कर दिया है, पाउडर ऑर्डर लगा दिया है, हाथ क्यों लगा रही हो? और अब वो जा रही है बाहर खेलने के लिए। जाओ खेलो, जाओ, हम लोग खाना वाना खा के लेट गए थे और शाम का 4:30 बज गया है, सो ही नहीं थे, बस लेटे थे, मोबाइल देख रहे थे, खाना ना बना के खा के। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कूलर के सामने से हिलने का मन नहीं कर रहा, देख सकते हो कूलर के सामने इधर बैठी हूँ, बाल मेरा कैसे उड़ रहा है। दो दो कूलर चल रहा है, एक ऊपर भी चल रहा है वहाँ वाला, एक ऊपर उधर का भी चल रहा है, एक ये वाला भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। तो अभी लाइट्स ऑफ है इसीलिए मैं ये टॉर्च जलाई हूँ, पीछे मेरे हस्बैंड सो रहे हैं इसीलिए, अब मेरी बिटिया गई नीचे खेलने के लिए गली में। तो अभी थोड़े देर में मैं उठूंगी और बाल वगैरह झाड़ूंगी, थोड़ा सा नीचे जाना होगा तो जाऊंगी, वरना छत पे ही जाऊंगी। गर्मी में बार बार कपड़ा चेंज करने का मन ही नहीं करता, मुझे शॉर्ट्स वीडियोस बनाने हैं। गर्मी के कारण इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं सिर्फ गर्मी के कारण शॉर्ट्स वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मुझे अच्छा वीडियोज़ बनाना है, शूट करना है कुछ, थोड़ा गर्मी कम होगा तो शूट करूँगी। और क्या, चलिए चलते हैं, थोड़ा देर और लेटते हैं, उसके बाद उठूँगी तो फिर काम तो काम ही है। उसके बाद चादर वगैरह चेंज करूँगी, उठ जाएंगे ये सोए उठ जाएंगे तो फिर चादर वगैरह चेंज करूँगी, बिस्तर वगैरह क्लीन करके तब चलूँगी। सोए हैं तो पूरा चादर फिर से मुड़ गया है, तो उसके बाद चलूँगी मैं अपना, छत पर जाऊँगी या नीचे जाऊँगी कुछ भी देखती हूँ क्या करती हूँ। गाइज मैं देखिए चादर उधर बदल दी हूँ और बिस्तर को एकदम क्लीन कर दिया है मैंने। और गाइज इतना गर्मी हो रही है, पसीना देखिए गाइज, पसीना तो पसीने से भीग गई हूँ मैं। अब चल रही हूँ, थोड़ा सा बाल वाल झाड़ूंगी और चल कर दही मंगा कर ठंडा ठंडा शरबत बनाऊंगी दही का, और ठंडा ठंडा शरबत पीऊँगी। चल रही हूँ दही मंगाने के लिए, कोई है बच्चा देखे गली में तो उसको दही मंगा लेती हूँ, नहीं तो फिर बाबू नहीं रहे तो बड़ी बहुत दिक्कत होता है। और इतना पसीना हो रहा है गाइस कि क्या बताऊँ मैं। चलिए फटाफट से देखे कोई है तो दही मंगवा लूँ। तो गाइस देखिए, हम बाल वगैरह झाड़ लिए, सब सिंदूर वगैरह लगा लिए, बाल वगैरह झाड़ के बिंदी लगा लिया है मैंने, सिंदूर लगा लिया है और नहा लिया है, काम उम करके बर्तन धुला था, धुल कर पानी वानी भर कर नहा लिया है। अब चलूँ छत पे, थोड़ा सा चलूँ छत पे पानी डाल दूँ, छत पे पानी डाल दूँगी तो छत ठंडा हो जाएगा, तो पंखा का हवा ठंडा आता है गाइस। तो चलिए चलते हैं छत पे पानी डालने के लिए, हम छत पे आ चुके हैं और चलिए छत पे पानी डाल देती हूँ। अब मैं छत पे पानी डालने जा रही हूँ, इतना ज़्यादा गर्म है कि क्या बताऊँ, लग रहा है कि एकदम ठीक हुआ है छत, पैर नहीं रखा जा रहा है छत, इतना ज़्यादा गर्म है। तो चलिए फटाफट से पानी डाल लेती हूँ मैं छत पे। तो गाइज मैंने छत पानी वगैरह डाल दिया है, अब चल रही हूँ नीचे, ऊपर काफ़ी गर्म है, हवा वगैरह चल नहीं रही है, चल भी रही तो बदन में लग नहीं रहा है। चलती हूँ नीचे, रूम में ही चलती हूँ।
काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप देख सकते हो हवा चल रहा है लेकिन वैसे बदन में लग ही नहीं रहा है हवा। अभी पाउडर लगा के ही सारा पाउडर धुल गया पसीना से। तो चलिए नीचे चलते हैं। मैं नीचे रूम में आ गई हूँ, अब चल रही हूँ ठंडा ठंडा लस्सी। मैंने आपको बोला था लस्सी पीने का मन कर रहा दही का, तो मैंने बना के फ्रीज़र में डाल दिया था। ओ शिट, भीग गया। तो गाइस देखिए मेरा ठंडा लस्सी बन के तैयार है, अब मैं पीऊँगी इसे। गर्मी में खाना पीना मिले ना मिले, बस ठंडा ठंडा जूस मिले, ठंडा ठंडा लस्सी मिले, और कुछ नहीं चाहिए गाइस, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए मैं इसे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हे गाइस, तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। मैंने आटा लगा लिया है और रोटी बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ आटा लगा के रख लिया है। दो लोगों के लिए रोटी बनाना ज़्यादा नहीं रहना, छः सात रोटी बना दी। और ये देखिए मैंने बोरा आलू की सब्ज़ी बनाई थी दोपहर में, दोनों टाइम का बना दिया था, आलू बोरे की सब्ज़ी, तो वही है अभी रोटी के साथ हो जाएगा। फिर रोटी वोटी बना लूँगी तो फिर सब लोग खाना खाएगा। सब लोग क्या, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटियाँ, तीन ही लोग हैं। बाबू तो दीदी के घर है, स्विमिंग करता है वहाँ से, इसीलिए वह वहीं पे है। तो भाई आप लोग के घर पे भी काम है, लोग तो यही ड्यूटी रहता है ना। क्या बेटा, आप लोग का भी यही ड्यूटी रहता है, आप लोग का भी यही काम रहता है, मेरा भी यही काम रहता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कुछ समझ में नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है। हाँ बेटा, एक तो मेरी बिटिया इतना चिल्लाती है ना, मैं क्या बताऊँ, नाइटी में मैं कितनी फूली फूली लग रही बात नहीं, थोड़ी सी फूली नहीं रहती बहुत ज़्यादा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, कितनी बहुत मतलब कि क्या बताऊँ मैं। कुआ में पानी ला के, हम लोग यहाँ कुआ है ना, तो कुआ का पानी ला के दिए मेरे हस्बैंड दोपहर में, एक बार लाई हूँ, इतना चिल्ड पानी, इतना ठंडा ठंडा पानी था, मैं नहा के मज़ा आ गया। क्या है तुम्हें प्रॉब्लम? अरे तुमको बोले पापा का मोबाइल देख लो ना, तुम क्या, हाँ आ गया। चलिए फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। जी गाइस, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया, मेरा सारा काम हो गया है। और अब हम लोग ये देखिए बैठ के खेल रही है, रात को इसको नींद नहीं आ रही है, इसे खेलना सूझा है, ये खेल रही है। बच्चे मस्ती करते हैं, देख के कितना अच्छा लगता है। और एक एक बार ऐसी मस्ती करते हैं, मन करता है उसको पीटू पकड़ के। तो अब मेरे लोगों ने खाना ना खा लिया, मैंने नहावा लिया, चेंज कर लिया, अब जल्दी हुई सोने के लिए गाई। तो चलिए अब हम लोग सोने जा रहे हैं। पीनू मम्मा आ, चले नीनी करो यहाँ पे, आजा बेटा आजा आजा, 12 बजने वाला है, आजा। तो चलिए गाई, तब हम आपसे मिलेंगे कल नई सुबह और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुंच जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और क्या बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बाय बाय गाइस।